तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सेल में, क्योंकि हम उसका फॉर्मेटिंग का यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग आखिर है क्या, चलिए इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कस्टम फॉर्मेटिंग होता है कि आप लिखिए कुछ और दिखिए कुछ और, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है, लिखे कुछ और दिखे कुछ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कोई फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सिर्फ विजिबिलिटी चेंज होता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, समझ गए। को भी हमेशा आप दिमाग में रखेंगे क्लास के दौरान। चलिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1500 लिखना चाहते हैं, लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे चाहिए एमआरपी 1500, राइट सर। तो अगर मैनुअल आप लिख देते हैं तो टैक्स बन जाता है, तो उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, किसी भी तरह की कैलकुलेशन को आप नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपका 1500 ओरिजिनल होना चाहिए और विजुअल एमआरपी 1500 होना चाहिए। तो मतलब कि हमारा वैल्यू कुछ और हो और विजुअल कुछ और हो, उसी केस में हम यूज करते हैं अपना कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी लिख के और हैश लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये एक्चुअली में है 1500, लेकिन दिख रहा है एमआरपी 1500, जिसपे हम आसानी से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो चलिए, यही आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे इस कॉलन में चेक नंबर लिखना है। तो चेक नंबर में क्या होता है कि 003645 इस तरह से लिखे होते हैं, तो जीरो आपका एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट लगाते हैं, देन 00 एंड यहाँ पे अपना नंबर लिख। तो पूरे कॉलम में मुझे अगर जीरो चेक नंबर लिखना है तो हर बार सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके कर। अब मुझे यहाँ पे जीरो लगाने क्या बोलते हैं सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो यहाँ पे अपने आप सिंगल कोट ले लेगा। और किसी तरह का अगर फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई तो होगा लेकिन वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है सर जी। सर फॉर्मूला अप्लाई होगा पर परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन ये तो चलो ठीक है, आप टाइप कर रहे हो तो ऐसा कर लोगे, लेकिन किसी ने टाइप करके आपको चेक नंबर भेज चुका है और उसने जीरो को नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, कस्टम में जाते हैं और मुझे यहाँ पे 6 डिजिट मेंटेन करना है। मतलब कि अगर जितना डिजिट हमने टाइप किया उसके बाद जितना डिजिट बचता है 6 डिजिट में से, उतने जीरो हमें आगे लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो। लेकिन जैसे कि मैं क्लास की शुरुआत में बताया था कि हमारी ये स्पेशल रूल कहती है कि हमारा जो विजिबिलिटी है वो चेंज होता है, ओरिजिनलिटी नहीं। तो यहाँ पे आपका दिख तो रहा है 0000025, लेकिन एक्चुअली में आपका है 25। अगर किसी पर्टिकुलर सेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है 0000, यहाँ पे सिंगल कोट लगा के 0000025, तो दोनों में दिखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन जब दोनों के बीच में आप लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ ए विजुअल है 0000025, बट ओरिजिनल ओनली फॉर 25 है, बट एक्चुअल में और विजुअल दोनों 0000025।
तो आपको अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स को अपना रहे हैं और आपको रियल में वैल्यू चाहिए, विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए, तो उस केस में आप कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करके टेक्स्ट फॉर्मूला को अप्लाई करें, वैल्यू को सिलेक्ट करें और इन्वर्टेड कॉमा में जो आप कोड डाल रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में वही कोड आप यहां डाल दें एंड ओके कर। तो आपस में बराबर आ जाएगा, हो गया सर? हेलो जी सर। हाँ जी सर, डाउट इसमें? नहीं सर। एक कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ। अब सर प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी के बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है। मैं ही कर देता हूँ। कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछिएगा। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा और मोबाइल नंबर में मैं +91 देके अपना देना चाहता हूँ। देखिए दो प्रॉब्लम है, प्लस नहीं आएगा और इतना साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा, क्योंकि आप बड़ा 12 डिजिट लिख रहे हैं, इसे साइंटिफिक फॉर्मेट चला जाएगा और प्लस इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इक्वल और प्लस से फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं इसलिए। तो इस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, कस्टम में, और यहाँ पे +91 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 8802579388। क्या सर? तो आप यहाँ पे जैसे कि ये MRP हमने लिखा ना, इस तरह से प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर कम दे दिया तो जीरो लगा देगा, तो मोबाइल नंबर में दिक्कत हो जाता है। तो जब आपको जीरो नहीं मेंटेन करना है, तो जैसा लिखो ऐसा ही है, लेकिन आप आगे पीछे कुछ ऐसा वर्ड या लेटर लगाना चाहते हो, तो उस केस में जीरो के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैश दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिखते हैं, तो अकाउंट नंबर में क्या है कि आपने 9 डिजिट लिखा था, ठीक है, 10 डिजिट तक लिखोगे तो भी ठीक है, 11 तक फिर ठीक दिखेगा। जैसे 11 के बाद अगला डिजिट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 12 डिजिट, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा। तो अगर आपको उसको अपने फॉर्मेट में लाना है, जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। और इसमें सिर्फ एक हैश दे देते हैं, आपका डिजिट दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये डिजिट जो आपको दिख रहा है, ये डिजिट आपको सिर्फ 15 डिजिट तक ही दिखेगा। 12 है, 13, 14, 15, 15 तो दिख रहा है। जैसे मैं 16वां डिजिट 1 के बाद मान लीजिए मैं 7 लगा देता हूँ, वो 0 बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सर? तो विशाल जी समझाएंगे ऐसा क्यों हुआ? टेक्स्ट फॉर्मेट की वजह से? नहीं 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 नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट तो है ही नहीं, तो नंबर है सर। हाँ कस्टम है। अच्छा हमारी लिमिट होती है 11 के बाद हम ऐड नहीं कर सकते। नहीं 11 नहीं सर, ये 16वां डिजिट को जीरो कर दे रहा है। हाँ लिमिट होती है, मैं समझा नहीं सर, तो डिटेल में समझाएंगे पूरी कंसेप्ट के साथ। देखिए एक चीज विशाल जी, एक चीज आप समझ लीजिए, टीचर के साथ जो है ना तुक्का नहीं ना लगाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है ना सर, तो बोले कि नहीं आता है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई नाराज होकर नहीं बोल रहा हूँ, आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अंदाज ही बोल दिया बट आपको एक्चुअली पता नहीं है, और मैं समझ गया कि आपको आता है, मैं उसको इग्नोर करके स्किप करके आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा ना सर। तो एग्जैक्टली कंसेप्ट पता कीजिए सिर्फ, तो भी आप जो है ना सही रहेगा, वरना क्या होगा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। प्लीज डोंट माइंड, मैंने माइंड मत कीजिएगा सर, मैं ऐसे कैजुअली बता रहा हूँ सर। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या आपकी पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, एक्सेल के ही से ही बाहर की चीज है, आपकी पर्सनल कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का कैपेसिटी 15 डिजिट तक का होता है, पर्सनल कंप्यूटर। इससे ऊपर की कैलकुलेशन के लिए ही सुपर कंप्यूटर बना हुआ है सर, समझ गए। तो एज ए नंबर फॉर्मेट, अगर नंबर फॉर्मेट स्टोर होगा तो कैलकुलेशन होगा, 15 डिजिट तक के कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी हमारे इस रैम और प्रोसेसर की है, इसलिए ये नंबर शिफ्ट कर रहा है, उससे आगे को जीरो कर दे रहा है। लेकिन अगर आपको टाइप करना है तो आप जो सिंगल कोड लगाएं और टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा में आप 32,767 लेटर या नंबर्स लिख सकते हैं, बट दिस इज द नॉन कैलकुलेटिव डेटा। तो आपकी पर्सनल कंप्यूटर की कैलकुलेशन की कैपेसिटी क्या है, 15 डिजिट। अब समझ में आया विशाल जी? हाँ जी सर, समझ आ गया। हाँ, अब आपसे कोई पूछेगा तो पूरी कंसेप्ट के साथ बताइएगा ताकि पता चले कि हाँ यू हैव द नॉलेज। जी सर, चलिए बुरा मत मानिएगा सर। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम है कि हमने देखा, आपने देखा कि कहीं पे मैंने जीरो लगाया हुआ, कहीं पे हमने हैश लगाया हुआ। अब ये जीरो हैश का फंडा क्या है, चलिए उसको समझ लेते हैं। जीरो हैश का फंडा ये है कि मान लीजिए कि मैंने 1500 लिखा और मान लीजिए कि मुझे इसके आगे कुछ अमाउंट लगाना है, आगे पीछे कुछ लगाना है, जैसे कि मैंने ऊपर एमआरपी लगाया हुआ, उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे क्योंकि वो एबीसीडी टेक्स्ट है इसलिए। अब इसके आगे मैं अगर जीरो हैश कुछ ना डालू तो सिर्फ मेरा एमआरपी दिखेगा, मेरा पीछे का जो लेटर है ना वो लेटर नहीं दिखेगा, राइट सर। तो लेटर को शो करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो या हैश देना होगा। एक बार जीरो दे या दो बार दे या तीन बार दे, आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपने जीरो दे दिया तो दिक्कत क्या होगा कि मैंने फाइव लिखा तो जीरो जीरो फाइव देगा, क्योंकि हमने तीन बार जीरो दिया हुआ है, इसे तीन डिजिट को मेंटेन कर रहा है। अगर आपको तीन डिजिट मेंटेन नहीं करना है तो पुट द ओनली फॉर वन जीरो या वन हैश। तो जीरो और हैश का फंडा समझ में आ गया। अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पीछे लगाना है, आगे नहीं पीछे लगाना है, बाद में लगाना है, नंबर के बाद, आफ्टर नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जीरो या हैश लिखूंगा, और फिर यहाँ पे मैं जो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई करेक्टर या कोई टेक्स्ट अगर आप एंट्री करते हैं तो नीड टू इन्वर्टेड कॉमा, आप उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उसको डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है, एमआरपी में डाला हुआ है। बट कोई स्पेशल करेक्टर एंड नंबर्स है तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे मैं प्लस 91 दिया हुआ है, तो जो स्पेशल करेक्टर जैसे प्लस कॉमा डैश स्टार इस चीज डालने के लिए इन्वर्टर कॉमा की जरूरत नहीं है। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि मीटिंग आईडी हमारे पास आपको भेजा मैंने, मैं मीटिंग आईडी में हर तीन डिजिट के बाद क्या है डैश है, तो आप इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कस्टम और यहाँ पे हैश 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 then dash hash hash hash
dash and again hash. ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं तो हर तीन डिजिट के बाद हमारा डैश लग जाएगा, या फिर जैसे कि कार्ड नंबर होते हैं ना सर, कार्ड नंबर होते हैं तो उसमें एक्स एक्स डाला होता है ना, मैंने कि पहले चार डिजिट ठीक है उसके बाद एक्सेस होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे मैं इन्वर्टर कॉमा में 1 2 3 4 फिर माफ कीजिएगा आप यहाँ पे सेपरेटर में डैश लगा सकते हैं और डैश को इन्वर्टर कॉमा में डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्पेस लग रहा है। और फिर हैश 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 तो चार लेटर पहले और चार लेटर बाद दूंगा, बीच में हमारा एक करेक्टर होगा, चार लेटर एंड चार लेटर। कोई डाउट विशाल जी, राजू जी एंड इशाद जी? सुन आ गया ना? तो कस्टम फॉर्मेटिंग का यही इस्तेमाल होता है। कुछ और अगर हम जीरो और हैश का फंडा दिखाएं आपको तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 50 रुपए 60 पैसे। अब मैं इसको देखिए क्या कर रहा हूं, मैं इसमें देता हूं 0 हैश और यहाँ पे रुपीज रुपीज एंड डॉट 00 पैसे। अब देखिए 50 रुपीज 60 पैसे 00। अब इसमें दो चीज यहाँ पे समझिए कि हमने यहाँ पे जीरो हैश क्यों दिया। मैं यहाँ पे हैश हैश भी दे सकता हूँ, दो या एक हैश दे सकता हूँ, इसमें दिक्कत क्या हुआ? अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं सिर्फ पैसे लिख देता हूँ 50 पैसे, तो रुपीज 50 पैसे आएगा जो कि सही नहीं लग रहा है। इसमें मैं जो है डबल जीरो कर देता हूँ तो डबल जीरो करने पे डबल जीरो आएगा, वो भी सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंगल जीरो कर देता हूँ तो सिंगल जीरो कर लेते हैं तो 5 रुपए 60 पैसे है तो 5 रुपए 60 पैसे होगा। मैं यहाँ दो डिजिट को मेंटेन करना चाहता हूँ इसलिए हमने जीरो के बाद एक हैश लगा दिया। उससे क्या होगा कि अगर आप दो सिंगल डिजिट में है तो डबल डिजिट कर देगा। दूसरी चीज, अब डॉट डबल जीरो दिया किसके लिए? डेसिमल्स के लिए। यहाँ पे हैश नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि हैश दोगे तो 60 पैसे के 60 होगा तो जीरो तो शो करेगा नहीं, हो तो 6 शो करेगा सर, तो क्या हो जाएगा 5 रुपीज 6 पैसे, थोड़ा देखने में और लगेगा, इसलिए यहाँ पे मुझे डबल जीरो डालना पड़ा। तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग को डिटेल में सीखने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि साथ ही कल आए थे तो मैंने उसको उनको कल आर्टिकल दिया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि कल आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे क्लास, तो मैं आप लोगों को भी ये आर्टिकल भेज रहा हूं। ईशा जी आपने पढ़ लिया था आर्टिकल? हेलो, तो उसमें क्या है कि आर्टिकल में क्या है कि आर्टिकल में कुछ और भी ज्यादा चीजें दी गई है सर। हाँ सर, वो बहुत सारी चीजें दी, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस देख के ट्राई किया था और डाउट था, कुछ कुछ समझ आया कुछ कुछ नहीं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हम यहाँ पे एक मिनट ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेरा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, लेकिन अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको ये आर्टिकल पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं ये आर्टिकल आप लोगों को भेज देता हूं।
अच्छा कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। रवि जी को भेज दिया, इरशाद को भेज दिया, प्रसून को भेज दिया, राजू एंड विशाल बचा हुआ। हाँ कुछ बोले थे सर। हेलो सर, ये कल का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है सर? हाँ हाँ सर, कल से भी एक इशाज ही आए थे इसलिए मैंने कस्टम फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आर्टिकल को पहले पढ़ लीजिए फिर हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे सर। ठीक है, और आपको भी भेज देता हूँ विशाल जी। क्या सर ये शुरुआत कुछ चीजें ऐसी है कि थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट भी पढ़ना जरूरी होता है सर, बेटर अंडरस्टैंड होने के लिए। मैंने सबको भेज दिया, प्लीज को अच्छी तरीके से पढ़ ले, फिर कल की क्लास में हम आपको इससे आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप लोग।